वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मेरा जो ये चैनल है ये पूरा का पूरा माइक्रोवेव के ऊपर है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी माइक्रोवेव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हैक्स और रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। आई होप आपके बहुत काम आ रही होंगी। इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, एकदम जालीदार। देखिए, साथ में बताऊंगी डो लगाने का तरीका। डो परफेक्ट है तो ब्रेड अपने आप ही परफेक्ट बन जाएगी। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस वीडियो को करते हैं शुरू। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो। तो सबसे पहले हम डो लगाएंगे। ब्रेड पूरी डिपेंड करती है डो पे। डो अगर आपका अच्छा है, परफेक्ट है, तो बिल्कुल आपकी एकदम परफेक्ट ब्रेड बनके तैयार होगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दूध लेना है। जो दूध लेंगे वो गुनगुना होना चाहिए, तो आधा गिलास आप दूध ले लीजिए। इसके अंदर आप 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। देखिए, खाने वाली चम्मच जो होती है ना, उसको लेके आप चीनी डाल दीजिए। अब इसमें डालेंगे हम ईस्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बिना ईस्ट के तो बिल्कुल नहीं बनेगी ब्रेड, अगर आपको एकदम बेकरी स्टाइल बनानी है तो। तो इसके लिए जो ईस्ट हम यूज़ करेंगे वो ड्राई एक्टिव ईस्ट है, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए। देखिए, इस तरीके से लिखा होगा, ड्राई एक्टिव ईस्ट। इसके जो दाने होंगे ना, वो बहुत बारीक होंगे। मोटे दाने वाला ईस्ट बिल्कुल ना ले। बेकरी में मोटे दाने वाला जो ईस्ट है वो काम इतना नहीं करता है। तो ये देखिए, इस तरीके के छोटे छोटे दाने होंगे, एकदम बारीक दाने, उस तरीके का ईस्ट आपको लेना है। तो आपको डालना है यहाँ पर 1 चम्मच, यानी खाने वाली चम्मच का भर के ईस्ट, 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ईस्ट। अच्छे से आपको मिक्स करना है। अब आपको इसे कवर करके रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट, ताकि जो है ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो जाए। ये इंस्टेंट ईस्ट है, फटाफट एक्टिव हो जाता है। और ये देखिए, 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छे से जो ईस्ट है वो एक्टिव हो चुका है। इस तरीके का देखिए टेक्स्चर होगा ईस्ट का, परफेक्ट यहाँ पर एक्टिव हुआ है ईस्ट हमारा। अब लेंगे हम यहाँ पर मिक्सिंग बाउल। जाली में डाल देंगे हम यहाँ पर 2 कप मैदा। देखिए, छानना जरूरी है मैदा को। तो यहाँ पर मैं 2 कप यानी 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ, और उसके बाद 1 कटोरी हम मैदा और डालेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 3 कटोरी यानी 3 कप मैदा लिया है। तो इस तरीके से देखिए, हम अच्छे से पहले मैदा मिक्स कर लेंगे। ये मीडियम साइज़ की कटोरी है, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल और 1/2 चम्मच यहाँ पर नमक। इसके बाद हम इसमें वो डालेंगे मिक्सचर जो हमने ईस्ट का तैयार किया था। ये देखिए, डाल दीजिए आप, और उसके बाद इस तरीके से हाथों से चाहे स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा उसी बाउल में मैं डालूँगी दूध, और इसमें हम एक डो लगा के तैयार करेंगे। अगर आप दूध गुनगुना लेंगे तो देखिए डो हमारा जल्दी से फूलेगा। तो फूलने के लिए गुनगुना होना चाहिए। मौसम इस समय बहुत बढ़िया है, ब्रेड पाव जो है इस मौसम में बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आप दूध डालते जाइए। देखिए, इसका जो डो लगता है ना, वो बहुत ही स्टिकी यानी बहुत ही चिपचिपा सा लगता है। इस समय मैंने 2 चम्मच और मैदा के इसमें मिक्स किए हैं, ताकि जो है हम इसे प्लेटफॉर्म में उतार सकें। तो बस इस तरीके से ये देखिए, डो को आप प्लेटफॉर्म में उतार लीजिए। अभी आप देख सकते हैं कितना स्टिकी है, ये हाथों पर चिपक रहा है। बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए। अब हमें कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको इसी तरीके से मसलना है। जैसे जैसे आप मसलेंगे वैसे वैसे ये सॉफ्ट होता जाएगा। मतलब स्टार्टिंग के 5 मिनट तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया, लेकिन आप इसमें कुछ भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा चिपकेगा तो हार्डली। इसमें थोड़ा सा तेल ले लीजिए हाथों में, और फिर इस तरीके से मसल लीजिए। बस रगड़ते चले जाना है। 7-8 मिनट के बाद ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एकदम ऐसा चाहिए डो हमें, जब हम इसे स्ट्रेच करें तो ये रबड़ की तरह खींचे। तो ये देखिए, मुझे टोटल इसमें टाइम लगा है 10 मिनट का। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेड बनाने के लिए। यहीं पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमें। तो यहाँ पर ये देखिए, 10 मिनट तक मैंने ऐसे रब किया, और आप देख सकते हैं ये पूरा इकट्ठा हो गया है इस तरीके का। आप ये देखिए, इकट्ठा कर लीजिए, इसका एक गोला सा बना लीजिए। अब आपको एक बाउल लेना है। जो बाउल लेंगे देखिए, उसे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, क्योंकि जब ये फूलेगा तो उसको जगह चाहिए फूलने के लिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें तेल लगा दीजिए। मैंने डाल दिया है डो बाउल के अंदर, अच्छे से लगा दिया है तेल। अब हमें इसे कवर करना है, किसी भी ढक्कन से कवर कर लीजिए।
मैं इस तरीके से रैप से इसे कवर कर देती हूँ। अब हमें इसे रेस्ट करने रखना है। देखिए, रेस्ट करने रखेंगे हम इसे 1 घंटे के लिए, क्योंकि ये गर्मियों का टाइम है, फटाफट इसकी जो फर्मेंटेशन है वो होगी। तो बस इसे हम एक साइड रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर अब हमें इस तरीके का, देखिए, रेक्टेंगल शेप में लेना है टिन। तो ये ब्रेड बनाने वाली ही टिन होती है, इस तरीके का हमें टिन लेना है। अगर आपके पास ये टिन नहीं है तो आप स्क्वायर शेप वाली टिन ले लीजिए जिसमें आप केक बनाते हैं। तो बस इस तरीके से ग्रीस करके और इसे एक साइड रख दीजिए। अब ये देखिए, 1 घंटा मैंने इसको रेस्ट दिया। आपको पता ही है इस समय गर्मी बहुत पीक पे है अपनी, जो डो की फर्मेंटेशन हुई है वो बहुत बढ़िया हुई है। ये देखिए कितना सा हमारा आटा था और कितना ज़्यादा फूल के तैयार हो गया। शायद अभी मैं इसे और टाइम देती तो ये और भी फूलता। नीचे से आप देख सकते हैं इसके होल, बहुत ही परफेक्ट फर्मेंटेशन हुई है इसकी। बस थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैदा और इसे पंच कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पर जो है हमारा डो लगा है। डो ही मेन मायने रखता है ब्रेड बनाने के लिए, जैसे कि मैंने बोला। और ये देखिए कितना बढ़िया नीचे से जो है इसकी जाली आ रही है। वापस हम इसे प्लेटफॉर्म में उतारेंगे। जब फर्मेंटेशन हो जाती है ना, उसके बाद इसे हमें बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, नहीं तो जो है फर्मेंटेशन इसकी ख़राब हो जाएगी और ब्रेड हमारे अच्छे नहीं फूलेंगे। बस प्लेटफॉर्म पर उतार के इस तरीके से इकट्ठा कर लीजिए और हाथों से इसी तरीके से फैला लीजिए। देखिए, क्योंकि ये बहुत लचीला होता है तो इजीली ये स्प्रेड हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, और अगर नहीं होता है तो बेलन चला सकते हैं। बस फोल्ड कर लीजिए और इस तरीके से देखिए फोल्ड करके 2 से 3 बार और फिर हाथों से इसे इस तरीके से फैला लीजिए। तो बस इस तरीके से हमें इसे फैला लेना है। थिकनेस रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। बस इस तरीके से अब हम टाइट से इसका रोल बना लेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से रोल बनाना है। जहाँ पे इसका ज्वाइंट आएगा इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे। आराम से हो जाता है, स्टिकी है डो तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। अच्छे से हम इसकी साइड भी चिपका देंगे। ये देखिए दोनों साइड्स मैंने चिपका दी है, सेंटर भी अच्छे से चिपकाना है। देखिए, जब आप रोल करेंगे ब्रेड का तो बीच में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बीच में अगर गैप हुआ तो बेकिंग के टाइम ये फट जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा 2 हिस्सों में। तो बस इस तरीके से अच्छे से लॉक करके और तैयार टिन के अंदर डाल देंगे। बस इसमें हम इस तरीके से सेट करके और वापस अब इसमें हम थोड़ा हल्का सा तेल लगाएंगे। हल्का सा ग्रीस कर लीजिए और वापस इसे 1/2 घंटे के लिए इसी तरीके से हम छोड़ देंगे। अभी ये और फूलेगा। देखिए, ये जो प्रोसेस होता है ना, यहीं पे ही थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इसके बाद बेकिंग टाइम कोई ज़्यादा नहीं जाता है ब्रेड का। अगर आपने ये 1 से 1.5 घंटे का टाइम दे दिया फर्मेंटेशन के लिए तो आपका ब्रेड एकदम परफेक्ट बनने वाला है। तो बस इसे मैं 1/2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। इतनी देर में हम यहाँ पर अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लोअर रैक रखना है 180 डिग्री पे। हमें यहाँ पर कन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट का टाइम लगाना है। जैसे हम केक के लिए यहाँ पर प्रीहीट करते हैं ना माइक्रोवेव को, बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए, माइक्रोवेव को किस तरीके से प्रीहीट किया जाता है, इसकी पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए, हमने टिन के अंदर डाला था डो और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शेप ले लिया है, कितने अच्छे से फूल के तैयार हुआ है। ये देखिए, बहुत अच्छे से, बिल्कुल अपने साइज से भी डबल हो गया है, एकदम परफेक्ट है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके का रेक्टेंगल शेप का टिन नहीं है ब्रेड बनाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर शेप का केक टिन ले लीजिए। केक टिन के अंदर देखिए ग्रीस करके और इस तरीके का रोल बना के रख दीजिए। अब हम इसके ऊपर दूध और शुगर की कोटिंग लगाएंगे, यानी चीनी को मिला लीजिए दूध के अंदर। बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आता है, इस तरीके से अच्छे से अप्लाई करिए और उसके बाद यहाँ पर रेडी हमारा ब्रेड बेक होने के लिए। बस इतनी देर में हमारा, ये देखिए, यहाँ पर प्रीहीट भी हो चुका है माइक्रोवेव। बस फटाफट से प्रीहीटेड ओवन के अंदर डाल देते हैं हम यहाँ पर टिन को और करेंगे डोर बंद। यहाँ पर 180 डिग्री पे, ध्यान रखिएगा, जिस पे आप केक बनाते हैं उस डिग्री को हमें लेना है। 35 मिनट्स का टाइम लगाएंगे। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, 30 या 35 मिनट्स पे आपकी ब्रेड बनके तैयार हो जाएगी। अभी देखिए, आप देख सकते हैं 19 मिनट 29 सेकंड का टाइम है हमारे पास। हम यहाँ पर वापस फिर डोर खोलेंगे और इस पे जो हमने दूध और शुगर का मिक्सचर बनाया था उसे अप्लाई करेंगे ताकि और अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो इस तरीके से आप खोल के और वापस अप्लाई करेंगे, डोर बंद करेंगे और स्टार्ट कर देंगे टाइमर वहीं से ही। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए टाइम हो गया है पूरा। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फूला है, कलर देखिए आप,
कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अभी हम इसे कवर करके रखेंगे। देखिए इसका जो ऊपर का सरफेस है ना, ये बहुत हार्ड है, तो बटर अप्लाई कर लीजिए या घी अप्लाई कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद लेंगे कोई भी गिल्ला कपड़ा इस तरीके का कॉटन का और इसे कवर कर दीजिए ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बंस या फिर ब्रेड को बेक करते हैं तो उसका जो ऊपर का सरफेस होता है वो बहुत हार्ड होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, थोड़ा सा हमें हल्का गीला कपड़ा इसके ऊपर डालना है, उसके बाद देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ठंडा होने में कम से कम 40 मिनट का टाइम लग गया। प्रॉपर ठंडा होना चाहिए तभी जो है इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। अगर आपने गरम गरम डीमोल्ड किया तो ब्रेड हमारी टूट जाएगी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया शेप आई है, कितना इजीली ये डीमोल्ड हुआ है। देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट बनी है हमारी ब्रेड, बहुत ही बढ़िया, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी। अभी तो मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कितना बढ़िया जालीदार ब्रेड हमारा बनके तैयार हुआ है। देखिए एकदम बेकरी स्टाइल ब्रेड है ये। और यकीन मानिए, मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कट करके दिखाती हूँ। देखिए ब्रेड को काटने की नाइफ अलग होती है, मेरे पास नहीं थी तो मैं घर के चाकू से ही काट रही हूँ। थोड़ी सी दिक्कत आती है, अच्छे से नहीं कट पाती है घर के चाकू से, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया स्पॉन्ज बनी है। ये देखिए वही ब्रेड है जो मैंने बेक की थी, कुछ भी इसमें अलग नहीं है और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट, देख सकते हैं पूरी बेक्ड है। देखिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं, ना तो अंडर बेक है ना ओवर बेक है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। बस ध्यान आपको डो लगाने में रखना है, टाइमिंग आपको 35 मिनट का ही रखना है। दूसरा, आपको इसे कवर करके रखना है जब बाहर निकाल दो। आपको ब्रेड के डो पे बहुत ध्यान देना है, फर्मेंटेशन के लिए पूरा पूरा टाइम देना है, वहीं पे ही आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा। तो फुल टिप्स एंड ट्रिक्स, पूरा मेथड बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपको ये देखिए दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं वही ब्रेड की ये स्लाइस है और कितनी बढ़िया स्पॉन्जी, एकदम सॉफ्ट जालीदार बनी है ब्रेड। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और उसके बाद मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये गर्मियों का टाइम है, इस समय परफेक्ट टाइम है ब्रेड और बंस वगैरह बनाने का, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।